नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में डॉक्टर गणेश जी तारे आपका स्वागत करते हैं। हाल ही में डॉक्टर साहब को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है। इन्होंने प्लाज्मा रिसर्च और महिला सशक्तिकरण पर जो काम किया ये उसी का परिणाम है। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपकी आगामी प्लानिंग क्या है, क्या आप समाज को और छात्रों को नई दिशा देना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अगर देश को सशक्त बनाना है तो उसका एक ही जरिया है और वो है शिक्षा। और यही कारण है कि मैंने अपने जीवन में एक शिक्षक होने के और एक शिक्षक की भूमिका निभाने का मैंने निर्णय लिया था। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से 1973 में MSc करके आया था तो यहाँ सेंट पॉल्स स्कूल माला रोड पर मैंने फिजिक्स व्याख्याता के रूप में ज्वाइन किया था। और आज जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं मेरे गुरुजनों को नमन करना चाहूँगा जिनकी बदौलत मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। सभी गुरुजनों का नाम लेना तो संभव नहीं है, परंतु 3-4 व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेरे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय में तब के हेड जो थे प्रोफेसर BL सराफ, जो होमी जहांगीर बाबा के कोवर्कर थे, प्रोफेसर S लोकनाथन जो लगभग 14 वर्ष तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के पश्चात राजस्थान विश्वविद्यालय में आए थे, उसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर SS दुबे, जब मैं BSc ऑनर्स कर रहा था तो वो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल थे, और एक प्रोफेसर KP महेश्वरी साहब जिनके सानिध्य में मैंने रिसर्च वर्क पूर्ण किया। तो इन टीचर्स की बदौलत ही मैं इसके लिए प्रेरित हुआ कि मुझे भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। और अगर हम अज्ञानता के तिमिर को हरना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका है कि हम शिक्षा को सशक्त बनाए, शिक्षा को मीनिंगफुल बनाए। आप अभी तक 96 बुक्स लिख चुके हैं जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में CBSE वगैरह में पढ़ाई जा रही हैं, और हाल ही में आप केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से भी मिले, उनके साथ बैठक हुई है, तो क्या है फ्यूचर की प्लानिंग शिक्षा के क्षेत्र में? नहीं, मानव संसाधन मंत्रालय से तो नहीं मिला। मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि मानव संसाधन मंत्रालय में ये बात शिद्दत से अनुभव की जा रही है, और अभी समाचार पत्रों में संभवतः आपने भी पढ़ा होगा, पिछले काफ़ी समय से इस पर विचार मंथन चल रहा है कि पूरे देश में पाठ्यक्रम समान होना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षण प्रणाली थी, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था और तब अंग्रेजों ने अपनी सुविधानुसार उनके प्रशासन को चलाने के लिए, उनके क्रियाकलापों को चलाने के लिए जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था स्थापित की थी, उसमें दो तरह की कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है। जैसे उस समय पब्लिक स्कूल्स जो खोले गए थे, जिसमें डेली कॉलेज इंदौर है या राजकुमार कॉलेज है या मेयो कॉलेज है, तो इन कॉलेजेस के अंदर जो है जो संभ्रांत परिवार के लोग होते थे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। वो कि वही चीज कम अधिक मात्रा में अभी भी हमारे देश में देखने को मिलती है। हम हमारे अपने खुद के शहर की बात करें तो मनमान CBSE से एफिलेटेड स्कूल्स हैं, दूसरी तरफ छोटे और मझले दर्जे के प्राइवेट स्कूल्स हैं जो राजस्थान बोर्ड से संबद्ध है, और तीसरी श्रेणी जो है सरकारी स्कूल हैं। तो मैं जो है
किसी भी तरह की आलोचना न करते हुए जो मुख्य जो फर्क पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं उसके अंदर जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे है, और विगत कुछ वर्षों में राजस्थान बोर्ड ने भी और अन्य स्टेट बोर्ड्स ने भी ये कोशिश की है कि जो पाठ्यक्रम को है वो सीबीएसई के समकक्ष या एनसीईआरटी के पैटर्न पे लाया जाए। तो अभी जो मानव संसाधन मंत्रालय में जो हमारे माननीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने मीटिंग ली थी और इस पे बड़ा मंथन चल रहा है कि पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम हो, और अगर ये ईमानदारी से यानी इसमें किसी प्रकार की स्टेट में राजनीति ना आती हो और जो पाठ्यक्रम सीबीएसई के स्कूल्स के लिए बनाया गया है अगर वो का वो पाठ्यक्रम शत प्रतिशत रूप से स्टेट बोर्ड के ऊपर लगाया जाए तो उससे एक तो लाभ ये होगा कि हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये लेकर चल रहे हैं कि भाई स्टेट बोर्ड का बच्चा तो कमजोरी होता है, अब वो स्टेट बोर्ड की पुस्तकें पढ़ता है, उनका स्तर अलग है, वो अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिखी गई हैं, परंतु अगर एक पाठ्यक्रम हो जाता है तो जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चा है वो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी वो पाठ्यक्रम पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करेगा जिससे वो अभी वंचित है। ऐसा नहीं है कि कोई टैलेंट का ठेका किसी बड़े स्कूल ने ले रखा हो कि साहब फलाने स्कूल के अंदर, ये हम देखते हैं अनेक बार देखा है, अच्छे अच्छे प्रशासनिक पद के ऊपर जो है बहुत छोटे स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से या जहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं ही नहीं है शिक्षा के वहां से भी बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। तो जो पाठ्यक्रम की डिफरेंस की वजह से, पाठ्यक्रम के अंतर की वजह से जो बच्चा एक वंचित रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, रिमोट रीजन के अंदर है, उस बच्चे को भी वही पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा। और चूंकि उसमें टैलेंट तो है, गुदड़ी के लाल हम ऐसे ही नहीं कहते, हर क्षेत्र के अंदर जो है कोई जरूरी नहीं है कि जैसे किसी कोई संगीत का उस्ताद हो उसी का बच्चा प्लेबैक सिंगर बने, या कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, आज महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम है, बहुत छोटे से शहर से आते हैं, कोई टाइम था कि सारा जो क्रिकेट के अंदर राज था वो बॉम्बे का ही चलता था, मुंबई का चलता था या दिल्ली के कुछ प्लेयर्स रहते थे, और आज जो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जगह से भी लोग निकल के आ रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर समान पाठ्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बच्चे वंचित रह रहे हैं उस अच्छे पाठ्यक्रम को पढ़ने से उनके लिए बड़ी इससे मदद मिलेगी। तारे साहब, आपके दोनों बच्चे बॉलीवुड में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में भी कुछ बताएंगे आप? मैं ये मानता हूँ कि जो अब मैं तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का व्यक्ति रहा हूँ और शुरू से ही मेरा साइंस के अंदर, रिसर्च के अंदर भी जो बड़ा इंटरेस्ट था, परंतु मैंने कभी भी मेरे दोनों बच्चों को विज्ञान पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया। जैसे क्षितिज के बारे में आप जानते हैं, वो शायद 3-4 साल का रहा होगा और एक दिन रेडियो के ऊपर मीरा का कोई भजन आ रहा था और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब दूसरे दिन मैंने मीरा का भजन स्वर के अंदर, ताल के अंदर और शब्दों को उसने कंठस्थ किया। आई वॉज रियली सरप्राइज कि एक 4 साल का बच्चा मीरा के भजन का मुखड़ा और पूरा अंतरा गा रहा है। तो मैं यहाँ पे पंडित महेश चंद जी शर्मा साहब के यहाँ गया था तो कुछ लोगों ने तो मेरे से कहा कि भाई महेश जी तो एम ए के नीचे या बी ए के नीचे ट्यूशन ही नहीं लेते, पढ़ाते ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं पढ़ाते तो देखता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ। तो मैं महेश जी के पास गया और महेश जी ने जब उसका परीक्षण किया तो उन्होंने यही कहा कि सर बच्चे को तो भगवान ने नवाज के भेजा है, बहुत इसमें अच्छी समझ है। और मैंने 4 साल की उम्र से ही उसकी विधिवत ट्रेनिंग कराई, 14 साल तक वो महेश जी के पास रहा, फिर कुछ समय उसने उस्ताद सादिक हुसैन जी कुरेशी साहब से भी गज़ल गायन की ट्रेनिंग ली और उर्दू का भी उसने ज्ञान अर्जित किया। और महेश जी ने जहाँ उसे क्लासिकल की विधिवत शिक्षा दी, वहीं सादिक साहब ने उसको मौलिकता के ऊपर
जोड़ देने के लिए कहा। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि सादिक साहब ने तो जब वो पढ़ता था शायद 8वीं या 9वीं में होगा तभी उन्होंने ये चीज़ कह दी थी कि ये बच्चा एक दिन बॉलीवुड में जाके बहुत बड़ा नाम करेगा। हालांकि तब मैं उस दृष्टि से नहीं सोच रहा था और मैंने क्षितिज से भी हमेशा यही कहा, अभी भी बहुत लिमिटेड से गाने वो गाता है क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं गाना चाहता जो उसके पारिवारिक संस्कार से तालमेल नहीं रखती। इसलिए उसने जितने भी गाने गाए लिरिक्स की दृष्टि से बहुत अच्छे गाए। और हमारे जो एक कार्यक्रम में जो है कादरी साहब यहाँ पे आए थे कोटा में और एक कार्यक्रम था जिसके अंदर क्षितिज की उन्होंने प्रस्तुति देखी तो कादरी साहब ने जो है उसको बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस कराया और जो सबसे पहला गाना उसका था मोला मेरे मोला तो वो गाना भी हिट हुआ। और हसन कमाल जी का उसी का फिल्म में अनवर फिल्म में लिखा हुआ गाना था तो उसे नैना लागे पिया सावर और पहले ही दोनों गानों ने उसको ज़बरदस्त सफलता दिलाई। लगातार उसका काम अच्छा चल रहा है और मेरा मानना यह है कि बच्चों के ऊपर अभिभावक अपनी महत्वाकांक्षाएं न थोपे। बच्चा जिस क्षेत्र में उसकी नैसर्गिक प्रतिभा है, अगर आप सचिन तेंदुलकर को कहोगे भैया तू तो जो है मन्नाड़े की तरह गाना गा तो ये चीज़ संभव नहीं है, या लता मंगेशकर जी से कभी ये उम्मीद करते कि भाई पीटी उषा की तरह आपको दौड़ना है तो ये संभव नहीं है। तो जो नैसर्गिक प्रतिभा है, इसी तरह से जो मेरा बड़ा बेटा है क्षितिज छोटा है कपिल बड़ा है और वो भी आजकल कुछ अच्छा काम कर रहा है फिल्म बनाने वगैरह का और शॉर्ट फिल्म्स उसने कई सारी बनाई आपके चैनल पे, आपने उसका भी इंटरव्यू लिया था। बिल्कुल। तो उसका जो टेस्ट था शुरू से वो ही वांटेड टू बी ए टीचर। मुझे ध्यान है एक पत्रवाचन प्रतियोगिता हुई थी जिसमें उसका प्रथम पुरस्कार आया था और उस संदर्भ में आकाशवाणी जयपुर पे इंटरव्यू था तो इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं तो वो शायद 9th में होगा उस समय कपिल, तो उसने कहा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो जो अनाउंसर थी जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था वो बाहर आई और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आपको बड़ा धक्का लगेगा कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, तो मैंने कहा क्या कोई डाकू बीकू बनने की महत्वाकांक्षा बता दी क्या, बोले नहीं ये टीचर बनना चाहता है। तो मैंने कहा मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं हो सकती कि वो टीचर बनना चाहता है क्योंकि उसने टीचर के रूप में अपने पिताजी को देखा है और समाज में मैं कोटा की सभी सारी पब्लिक का और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं सबका ही मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे को बड़ा सम्मान देते हैं और बहुत इज्जत की ज़िंदगी मैंने जी है क्योंकि मैं सिद्धांतों में विश्वास करता हूँ और ईमानदारी से काम करने में वास्तव में सफलता मिलती है। तो उसने जो बड़े बेटे ने अभी एमए हिंदी एमए इंग्लिश फिर एमए एजुकेशन एमएड और पीएचडी करी, परंतु जब वो उदयपुर से जब एमए कर रहा था तो उसको एक यूथ फेस्टिवल नागपुर में हुआ था, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल था जिसमें उसको ही वॉज अवार्डेड द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड। तो कोटा आने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो आते ही मैंने यहाँ के जो विख्यात रंगकर्मी है शिवराम जी जो उनके सुपुर्द किया और उनसे कहा कि भाई इसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें, तो उसमें भी जो है धीरे धीरे इस टैलेंट को उसने विकसित किया। और मुझे खुशी है कि उनके उसकी एक स्क्रिप्ट थी जलीस सिकंदर लिख के, जलीस सिकंदर नाम की एक स्क्रिप्ट थी जिसका निर्देशन खुद शिवराम जी ने किया था। और तब मैंने सईद भाई को जो है यहाँ कोटा आए थे तो उन्हें बताया, मैंने कहा देखो कादरी साहब ये बच्चे ने स्क्रिप्ट लिखी है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस बच्चे में भी बहुत अच्छा टैलेंट है और आप इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाएं। तो जब वो पीएचडी कर रहा था तो मुंबई में भी उसने कुछ काम किया था पीएचडी के संदर्भ में, तो उसने जो है डायरेक्शन की ट्रेनिंग ली और उसकी जो पहली शॉर्ट फिल्म थी बोचार उसको कई सारे अवार्ड्स मिले। तो ये मैं आज ये कहने की स्थिति में हूँ, मैं अगर चाहता है ना मेरी जो व्यक्तिगत इच्छा थी वो तो ये थी कि भाई एक लड़का तो कम से कम फिजिसिस्ट बने वैज्ञानिक बने फिजिक्स का, और एक बच्चा जो उसकी मम्मी चाहती थी कि एक बच्चा डॉक्टर बने, परंतु हमने दोनों ही बच्चों को बाध्य नहीं किया। और मैं आपको कहना चाहूँगा ये सारे अभिभावकों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के
कभी भी बच्चों पर अपनी अतृप्त आकांक्षाओं का बोझ न लादें। मेरे पास आते हैं, साहब मैं डॉक्टर नहीं बना तो कम से कम बच्चा तो डॉक्टर बन जाए, मैं IIT नहीं हुआ तो बच्चा तो IIT। आई डू नॉट बिलीव इट। जब आपने अपने मर्जी की जिंदगी जी ली और आपने अपने हिसाब से जीवन जिया तो बच्चों को आप स्वतंत्र छोड़ें और उनके हिसाब से पनपने दें, उनको जो है सहयोग प्रदान करें, और फिर आप देखिए कि जीवन कितना सुखमय होता है। क्योंकि जो कार्य भी आप करते हैं अगर वो आपकी रुचि का है तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। जोर जबरदस्ती से तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में आप सफलता के झंडे गाड़ने के लिए न तो प्रेरित कर सकते हैं और न बाध्य कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।